तो हाँ गाइस, ये बात बिल्कुल सच है कि पायल जो मेरी सिस्टर लगती है, पर वो लगती है मेरी सब सिस्टर, क्योंकि दो गज दूरी मास्क है जरूर। मतलब घूम फिरा के यही सीन होता है कि तू मेरे आगे, मैं तेरे पीछे, मैं तेरे ऊपर, तू मेरे नीचे। इतना बड़ा डिसीजन लेने का मेरा ये वजह था कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का मर्डर कर दूं अपने रूम में बैठे बैठे, या अपने आप पे 302, 303, 304 के केस लगा लूं, या इवन द वर्स मैं किसी के घर की छत ही जला दूं। Stop it. Get some help. वैसे देखा जाए तो पायल जोन को भी मजा आता रहेगा लोगों को ऑनलाइन मारने में और बाद में उन्हीं की ऑडियंस से अपनी मरवा के लेने में। इज्जत पे जोक बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी। सॉरी गाइस, मेरा नाम है डलॉन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना गाल दिए यूट्यूब पे हगने वालों की गांड मारना। सुबह इतना सब होने के बाद भी मेरे ख्याल से शायद ही पायल जोन के पास थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हो। कहते हैं ना, लेने वाले से ज्यादा इज्जत देने वालों की, पर यूट्यूब पे इसका बराबर उल्टा ही होता है। तो जैसे एक बार ट्रिगर निशान ने कहा था, टोनी कक्कर क्रिंज गाने बनाता है क्योंकि हम क्रिंज गाने सुनते हैं, वैसे ही पायल जोन पे जब तक रोस्ट करना चालू रहेगा तब तक वो टट्टी वीडियोस बनाते रहेगी और यूट्यूब पे गंदगी करते रहेगी, क्योंकि उसको अपने घर का बाथरूम कम पड़ चुका है। हम सबको पता ही है कि पायल जोन और ट्रिगर इंसान की वेब सीरीज आ रही है और वो शूट भी कर रहे थे ढिंडोरा के सेट पे, और जो ट्रिगर इंसान ने अपने चैनल पे उसके रिएक्शन वीडियो बना के डाल चुके हैं। अब ये इसलिए क्योंकि उन्होंने ये वेब सीरीज इसलिए प्राइवेट रखी है क्योंकि अगर आप लोगों को पता चल गया उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है तो अगले दिन ही आप उनको उठवा लेंगे। आई मीन यू विल बी किडनैपिंग देम बिकॉज तुम नहीं चाहते कि कोई इतने बड़े लेवल पे भी क्रिंज करे। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि भुवन बाम की ढिंडोरा इंडिया की पहली वेब सीरीज बन चुकी है 500 मिलियन व्यूज कवर करने के लिए, ऐसा इसका रिकॉर्ड तोड़ने आ रही है पायल जोन की वेब सीरीज। और इसकी बस एक ही ऑडियंस रहेगी, वो होगी रोस्टिंग कम्युनिटी से। पायल जोन की ऑडियंस सब रोस्टर ही है, कोई उनकी जेन्युइन ऑडियंस है ही नहीं। अगर जेन्युइन ऑडियंस है तो वो है उन रोस्टर्स की जो जाके पायल जोन का ओरिजिनल वीडियो देखती है क्योंकि वो और मजे ले पाए पायल जोन के। तो बात करें अब पायल जोन की वेब सीरीज की, तो सीन वही हो गया है, रात को डाला सो निकाला बच्चा हुआ भोला भाला, उसका नाम था भोसड़ी वाला। Stop it. Get some help. मतलब कोई ना बाप, पैदा हो गया बच्चा लेके छोटा सा सांप। सो जस्ट इमेजिन अगर पायल जोन अपने वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए सारे मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स को बुलाएगी जैसे ढिंडोरा में बीबी की वाइंस ने किया था, तो उसमें क्या आधे यूट्यूबर्स तो आएंगे नहीं, जैसे फ्लाइंग बीस्ट, मिस्टर इंडियन हैकर, सौरव जोशी, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुके हैं पायल जोन के चैनल पे, और पायल जोन अपने ऑडियंस को बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहेगी, बल्कि वो ऐसे लोगों से अपना प्रमोशन कराएगी जिनकी पहले से ही फट के आधी हो चुकी है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चाहत, जैसे डीजे मृणाल जी। तो गाइस, मैं आया हूँ अफ्रीका उगांडा का जंगल से, क्योंकि सब मार के छोड़ चुके हैं वीडियो पे डिसलाइक और उनपे अपने रोस्टिंग वीडियो पे कमेंट्स। तो जब मैं वीडियो के रिसर्च कर रहा था, मैं गया था पायल जोन के चैनल के ऊपर, मैंने एक मस्त चमत्कार देखा कि थगेश, ट्रिगर इंसान और सौरव जोशी वापस जिंदा हो चुके हैं, इवन दो सौरव जोशी को वो प्रपोज भी कर चुकी है पर वो डिलीट हो गया वीडियो, या फिर मैं बस फेंक रहा हूँ अपने फ्लो में। पर उनका चैनल देखने के बाद मुझे एक बात जरूर पता चल गई कि पायल जोन एक इच्छाधारी इंसान है, क्योंकि वो पीयूष का रूप लेके सौरव जोशी के साथ ब्लॉग इन करती है। जैसे हम देख ही चुके हैं कि सौरव जोशी के भाइयों के चैनल से क्लिप उठा के उस पर अपना वॉइस ओवर डालने के, और इनके हर ब्लॉग में यही देखोगे कि ये हग रही है और सामने वाला कितना ही पाद मार ले उनकी ना आवाज आएगी ना बास। तो एट द क्वार्टर ऑफ दिस ईयर पायल जी ने थोड़ा दिमाग लगाया कि अब वो बस ब्लॉग करेगी, मतलब दूसरे को मर्डर करने के सिवाय उनसे कोलैब करेगी बस उनकी क्लिप चुरा के। मतलब वो बस ये करती है कि उनकी क्लिप ही चुराती है, उनका आवाज जो डालती है, उनके साथ फेमस हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि ये जो टारगेट ऑडियंस कर रही है, मतलब जो छोटे छोटे निब्बे निब्बे बच्चे फ्री फायर के चोदे, आई नॉट सपोज टू से दैट, वो जाके पायल जोन को सपोर्ट करेंगे और ये होगा उनका दिमाग। तो भगवान ने भी क्या बुद्धि दी है पायल जोन को, साला 2 साल से वीडियो बना रहा, अब तक झाटा ग्रो नहीं हुआ, सिर्फ फेक फॉलोअर बना के सॉल्व करना सीखा है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, किसी को बुरा लगा हो तो अपनी मरवा लो जाके, आई एम सॉरी गाइस, किसी को बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए था, सो प्लीज अंडी रोना करना बंद कीजिए और होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज मेक मी वायरल, प्लीज 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड की है मुझे पता है। दैट इज इट फॉर टुडे एंड गो एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम, इट्स टेलॉन 10K। पीस।